वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फैब्रिक स्ट्रक्चर, यानी वस्त्र संरचना का परिचय। वस्त्र संरचना क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि फैब्रिक और स्ट्रक्चर, ये जो दो टर्म यूज हुई हैं, इनका क्या मतलब है। स्ट्रक्चर यानी संरचना जो कि किसी बनावट को इंगित करती है, और फैब्रिक जिस संरचना से बनाया जाता है वह संरचना उसकी उपयोगिता के अनुसार उसकी संरचना अलग अलग प्रकार से होती है। आज के इस लेक्चर में टेक्सटाइल लर्नर्स और बिगिनर्स के लिए ये लेक्चर काफ़ी मददगार साबित होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि फैब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, और इसकी संरचना होती कैसे है, और इसकी पहचान क्या है। ये सब चीज़ें हम इन स्लाइड्स के माध्यम से आज समझेंगे कि ये वास्तव में फैब्रिक संरचना होती कैसी है। वस्त्र या फैब्रिक, इसका एक परिचय है कि वस्त्र और संरचना हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। कि वस्त्र जो बनता है वो उसकी मूलभूत इकाई है तंतु, यानी फाइबर। फाइबर्स प्राकृतिक और कृत्रिम तरह के जो फाइबर्स होते हैं उनसे कताई करके हम एक धागा तैयार करते हैं, यानी स्पिनिंग के द्वारा धागा तैयार किया जाता है। उस धागे से फिर एक कपड़े का निर्माण किया जाता है, कपड़ा जिसको लूम के ऊपर तैयार किया जाता है, और जिस कपड़े को लूम पर बुनते हैं उसे बुनाई यानी वीविंग कहते हैं। और उसी को अगर उन धागों की सहायता से हम निटिंग मशीन या हैंड निटेड कपड़ा तैयार करते हैं तो वो निटिंग प्रोसेस कहलाता है। ब्रेडिंग और नॉन वूवन, ये सब संरचनाएं हम एक एक करके इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम इन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है और इन्हें कैसे पहचाना जाता है। फैब्रिक स्ट्रक्चर की जो संरचनाएं हैं वो जिस तरह फिगर्स में दिखाया गया है, पहली संरचना जो है वो है वूवन स्ट्रक्चर, दूसरी नॉन वूवन, तीसरी निटेड और ब्रेड स्ट्रक्चर। ये चार तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से इसको तैयार किया जाता है, अलग अलग मशीनों पर इनको बनाया जाता है, और इनकी अलग अलग उपयोगिता है। इन वस्त्रों को इनके संरचना से हम पहचान सकते हैं कि ये किस मेथड से और किस प्रोसेस से बनाए गए हैं, और इनमें किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है, आइदर फाइबर और यार्न। सबसे पहली संरचना है वूवन स्ट्रक्चर। वूवन स्ट्रक्चर वह होता है जो कि धागों की सहायता से लूम के ऊपर तैयार किया जाता है। लूम पर लंबाई में यानी कपड़े की किनारी के साथ चलने वाले जो धागे होते हैं उन धागों को वार्प कहा जाता है, और जो कि किनारी से किनारी तक जो धागा चलता है चौड़ाई में कपड़े के वो वेफ्ट कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि लाल रंग के जो धागे लंबवत हैं ये है वार्प के धागे, और ग्रीन कलर के जो धागे हैं ये वेफ्ट के धागे हैं। तो वूवन स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो वार्प और वेफ्ट के समकोण पर अंतर गुंथन के द्वारा जो संरचना तैयार की जाती है वो
वूवन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये वार्प लूम पर दो भागों में बांटा जाता है और बीच में जो जगह बनी होती है उसमें धागा वेफ्ट का डाला जाता है और इस तरह ये एक अनवरत प्रक्रिया लूम पर चलती रहती है जिससे कपड़े का निर्माण होता है। वूवन स्ट्रक्चर ताना यानी लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स और बाना यानी ट्रांसवर्स थ्रेड्स के इंटरलेसमेंट से वूवन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। बुने हुए वस्त्रों के उदाहरण हैं पॉपलिन, वॉयल, फैब्रिक, कैम्ब्रिक, मलमल, कंबल, कैनवास, साड़ी, धोती, लुंगी, शूटिंग और शर्टिंग। वूवन स्ट्रक्चर्स यानी वूवन फैब्रिक अपरल पर्पस से या डोमेस्टिक डेकोरेटिव बेड सीट्स, बेड कवर्स, कर्टेंस आदि के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। ये जो फैब्रिक है ये हमारे डेली वियर और डेली वियर और डोमेस्टिक यूज के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है निटेड स्ट्रक्चर। निट यानी बुनाई ही होती है जो कि हैंड निटेड, मशीन निटेड हो सकती है। यार्न की लूप बनाकर इसमें धागे की एक सीरीज हम काम में लेते हैं जिससे लूप बनाकर और उनकी इंटरलॉकिंग की जाती है। इस इंटरलॉकिंग सिस्टम से निटेड स्ट्रक्चर तैयार होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये धागा इस तरह लूप बनाता है और फिर दूसरे लूप से इंटरलूपिंग करके और ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को जो थ्रेड हम काम में लेते हैं, जिस रूप में हम काम में लेते हैं उसके अनुसार ही इसका नाम हो गया है। जैसे अगर हम वार्प के लूप्स बनाते हैं तो ये वार्प निट कहलाता है और अगर वेफ्ट के लूप्स बनाए जाते हैं तो यह वेफ्ट निट कहलाता है। निटेड फैब्रिक में लूप की संरचना जो उसके वो कैसा दिखेगा, उसके गुणों जैसे इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और पोरोसिटी के अनुसार निर्धारित होती है। बुनाई के टांके यानी निट स्टिच उसके लूप्स और उसके स्टिचेस के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। फ्लैट नेट और वार्प नेट यानी ताना नेट। फ्लैट नेट को वेफ्ट नेट भी कह सकते हैं। ये अलग वेफ्ट और वार्प के धागों से एक लाइन पंक्ति का निर्माण करते हैं। उन एक एक करके इस तरह जो पंक्तियां जुड़ती चली जाती हैं और एक कपड़े का निर्माण होता है लंबाई और चौड़ाई के अनुसार। उसमें नंबर ऑफ लूप्स कम या ज़्यादा रखे जा सकते हैं उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और उसमें बनने वाले लूप्स की लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप। निटेड फैब्रिक्स का उपयोग अपैरल पर्पस से ही किया जाता है जिनमें जैसे पोलो शर्ट, टी शर्ट, स्पोर्ट्स और एंड स्विमिंग वियर्स, स्वेटर्स, बच्चों के पहनने योग्य कपड़े और जनरली और ऑलमोस्ट अंडर गारमेंट्स में अत्यधिक निटेड फैब्रिक का ही उपयोग किया जाता है। तीसरी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो है नॉन वूवन स्ट्रक्चर यानी गैर बुने हुए कपड़े। ये कपड़े ऐसे जिनमें ना तो वीविंग की जाती है और ना ही निटिंग की जाती है और इनमें ऐसा स्ट्रक्चर ना तो इंटरलेसमेंट होता है ना लूप्स बनते हैं। इनमें सीधे सीधे तौर पर फाइबर्स की
या थ्रेड्स की, यार्न्स की एक फ्लैट सीट या वेब स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसको कि मैकेनिकली कंप्रेस्ड करके, सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग करके, केमिकली या थर्मल ट्रीटमेंट देकर उसको एक सीट के रूप में तैयार कर लिया जाता है। कॉम्पैक्ट सीट एक तैयार हो जाती है, जिसमें आपस में फाइबर्स और यार्न्स के चिपकने के कारण ये बहुत मजबूत सीट तैयार हो जाती है। ये एक तरह से सपाट गुच्छेदार यानी फ्लैट और टफ्टेड पोरस सीट होती है, जिसको मोस्टली इंडस्ट्रियल फिल्टर के रूप में काम में लिया जाता है। ये अलग अलग तंतुओं को अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग करके पिघले हुए प्लास्टिक से, प्लास्टिक की फिल्म से इनका निर्माण किया जाता है। नॉन वोवन स्ट्रक्चर नाम इसलिए पड़ा है इसका, क्योंकि ना तो इसमें वीविंग की जाती है और ना ही नीटिंग की जाती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर नॉन वोवन स्ट्रक्चर कहलाता है। नॉन वोवन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल फेल्टिंग है, जो कि हीटिंग, मॉइस्चर, मैकेनिकल एक्शन और केमिकल एक्शंस के द्वारा फाइबर्स को कंसोलिडेट करके सीट के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें तंतु एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं और इसमें एक मजबूत सीट का निर्माण करते हैं। इस तरह के फाइबर, इसमें अलग अलग तरह के फाइबर्स जैसे ऊन, फर, वूल, ग्लास फाइबर्स और हेयरी फाइबर्स शामिल किए जाते हैं। इससे बनी हुई जो सीट होती है, नॉन वोवन सीट, उसको मुख्यतः हीट इंसुलेटर के रूप में काम में लिया जाता है बॉयलर्स और गीजर्स में, जिससे कि हीट का ट्रांसफर या हीट लॉस नहीं हो। गैर बुने सामग्री के उदाहरणों में है फेल्ट्स, इंसुलेशन मैट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, फाइबर मैट्स आदि इसमें शामिल है। इंसुलेशन सीट के रूप में इसको बॉयलर्स में काम में लिया जाता है, गीजर्स में काम में लिया जाता है और फाइबर मैट्स के रूप में इसमें कार की मैट्स होती हैं, कार इंसुलेशन, रूफ इंसुलेशन के लिए काम में लिया जाता है और डोरमेट्स, फाइबर की डोरमेट्स भी इस तरह के मटेरियल में बनाई जाती है, काम में ली जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रेडिंग। ब्रेडिंग यानी ब्रेड जो है थ्री डायमेंशनल फैब्रिक बनता है, जो कि पतली स्ट्रिप्स या ट्यूबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें तीन या तीन से अधिक यार्न्स या बायस कट कपड़े की स्ट्रिप्स, पतली स्ट्रिप्स काटकर उनकी इंटरलेसिंग की जाती है, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती है और एक डायगोनल का निर्माण करती है, जिससे एक समतल और ट्यूबुलर फॉर्म की पतली पट्टी तैयार होती है, पतली स्ट्रिप तैयार हो जाती है, जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है, चित्र फिगर में जो दिखाया गया है। देखिए, ये एक थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट है और ये दो थ्रेड्स आपके क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह ये एक पतली स्ट्रिप और ट्यूबुलर फॉर्म में एक कपड़ा हमारा तैयार हो जाता है, जिसके इंडस्ट्रियल यूजेस। ब्रेडिंग या प्लेटिंग ब्रेड्स को अक्सर ट्रिमिंग या बाइंडिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्लैट ब्रेड का उपयोग कपड़ों पर या घर के सामान पर सजावटी बॉर्डर यानी डेकोरेटिव बॉर्डर का इफेक्ट पैदा करने के लिए किया जाता है। सॉटेक नाम का एक हेरिंगबोन पैटर्न ब्रेड्स का है, जो कि डेकोरेटिव ब्रेड है। इससे डिजाइंस को हाईलाइट करने के लिए काम में लिया जाता है। ब्रेडिंग के उदाहरण जो हैं, जैसे जूते के फीते, शू लेसेस,
कैंडल विक्स, मोमबत्ती की बत्ती, पानी की स्की रस्सियाँ, वाटर स्की रॉप्स, माउंटेनियरिंग रॉप्स, नौकायन यानी याचिंग रॉप्स, पैराशूट लाइंस और फिशिंग नेट्स यानी मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं, ग्राउंड केबल्स और हार्नेसेस में ब्रेड्स काम में ली जाती हैं। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर्स, फैब्रिक स्ट्रक्चर को उसकी उपयोगिता के अनुरूप अलग अलग तरीकों से बनाकर उनके बनाने की विधि के अनुसार ही उनका नामकरण हुआ, जैसे वूवन, नॉन वूवन, नीटिंग और ब्रेडिंग। तो आज के इस लेक्चर में आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर, फैब्रिक का स्ट्रक्चर किस तरह तैयार किया जाता है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो वूवन है या नॉन वूवन है या नीटेड है या ब्रेड्स है। थैंक यू।